जय श्री कृष्ण। आज फिर एक बार प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग लेकर। पढ़ लिए हमने इस अध्याय से कल 7 श्लोक, जिनमें हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान से एक प्रश्न किया। भक्ति योग की महत्ता जानने के बाद वे ये जानना चाहते थे कि सगुण उपासक श्रेष्ठ हैं या निर्गुण, और भगवान उनके इस प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। तो एक बार देखते हैं कि अर्जुन ने क्या प्रश्न किया और भगवान का क्या निर्णय रहा। अर्जुन ने कहा, अव्यक्त को भजते कि जो धरते तुम्हारा ध्यान है, इन योगियों में योग वेत्ता कौन श्रेष्ठ महान है। तो श्री भगवान कहते हैं, कहता उन्हें मैं श्रेष्ठ, मुझ में चित्त जो धरते सदा, जो युक्त हो श्रद्धा सहित मेरा भजन करते सदा। अव्यक्त अक्षर अनिर्देश अचिंत्य नित्य स्वरूप को भजते, अचल कूटस्थ उत्तम सर्वव्यापी रूप को। सब इंद्रियां साधे सदा, सम बुद्धि ही धरते हुए, पाते मुझे वे पार्थ प्राणी मात्र हित करते हुए। अव्यक्त में आसक्त जो होता, उन्हें अति क्लेश है, पाता पुरुष यह गति सहन करके विपत्ति विशेष है। हो मत परायण कर्म सब अर्पण मुझे करते हुए, भजते सदैव अनन्य मन से ध्यान जो धरते हुए। मुझ में लगाते चित्त उनका शीघ्र कर उद्धार में, इस मृत्युमय संसार से बेड़ा लगाता पार में। तो भगवान ने अब दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ योगी बताया, तथा 6वें और 7वें श्लोक में यह बात कही कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही उद्धार करता हूँ। इसलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने के लिए पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके, फिर 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में क्रमशः अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन कर रहे हैं। तो देखते हैं 8वां श्लोक। मय्येव मन आधस्त्व, मयि बुद्धिम निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव, अत ऊर्ध्वं न संशय। कहते हैं मय यानी मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहाँ भगवान के मत में वे ही पुरुष उत्तम योगवेत्ता हैं जिनको भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सभी साधकों को उत्तम योगवेत्ता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वर को ही परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मुझ में ही लगा दे, और मुझे ही अपना परम प्रियतम मानकर अपने मन को भी मुझ में ही लगा दे। तो यहाँ पे परिशिष्ट भाव यही है कि मन बुद्धि दोनों प्रकृति की जाति के हैं, अर्थात वे प्रकृति के अंश हैं, पर हम स्वयं भगवान के अंश हैं। अतः स्वयं और मन बुद्धि में जातीय भिन्नता है, क्योंकि आकर्षण एवं मिलन सजातीयता में होता है, विजातीयता में नहीं होता है। इसलिए मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, क्योंकि वे भगवान का हिस्सा नहीं है, वे लौकिक हैं। लेकिन हम स्वयं भगवान में लग सकते हैं, क्योंकि हम भगवान का ही हिस्सा हैं। तो मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता मान लेने से साधक से यह भूल हो जाती है कि वह स्वयं अलग रहकर मन बुद्धि को भगवान को लगाने में उद्योग करता है, परंतु वास्तविकता यह है कि भगवान में उसे स्वयं ही लगना होता है, या वह स्वयं ही लगा होता है, मन बुद्धि नहीं लगते। तो जब स्वयं भगवान में लगता है, तब मन बुद्धि अपने आप छूट जाते हैं और उनकी सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत एक भगवान ही रह जाते हैं। कारण कि मन और बुद्धि की तो सत्ता थी ही नहीं, जीव ने
हमने खुद ही उसको सत्ता दी थी। जैसे कि सुई जहाँ जाती है धागा वहीं वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वहीं जाता है। इसलिए भगवान मन बुद्धि को लगाने की बात कहते तो हैं, लेकिन कहते हैं कि मन बुद्धि एक रास्ता है उसे लगाने का। तो पहले मन बुद्धि लगाओ और आपका स्वयं उसके पीछे पीछे चला आएगा। तो संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन और बुद्धि संसार में लग गए, और संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी संसार में ही लग गया। इसलिए इस जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान कहते हैं कि उस मन बुद्धि को जो आपको भगवान से हटाती है उसे भी भगवान में लगा दो, तो वो आपको पीछे पीछे भगवान तक ले ही आएगी। तो जब जैसे सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसको अग्नि में तपाता है, तो सोने में मिला हुआ विजातीय पदार्थ सारा खोट उसमें जो होता है वो सब अलग हो जाता है और शुद्ध सोना रह जाता है। तो ऐसे ही भगवान में लगाने से मन और बुद्धि अलग हो जाते हैं और स्वयं भगवान से मिल जाता है और केवल भगवान ही रह जाते हैं। तो इस श्लोक में यह क्रम से बताया गया है कि भगवान में पहले साधक का मन लगता है, फिर बुद्धि लगती है, फिर स्वयं लगता है, और स्वयं लगने से अहम मिट जाता है। तो प्रेम में मन लगता है और श्रद्धा में बुद्धि लगती है, और भगवान में मन बुद्धि लगाने का तात्पर्य है कि भगवान में प्रेम और श्रद्धा होना अर्थात संसार की प्रियता और महत्ता न रहकर केवल भगवान में ही प्रियता और महत्ता का हो जाना। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। कहते हैं धनंजय, अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। तो यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तेरा मन और बुद्धि मुझ में अभी नहीं लग रहा है, मुझ में अचल भाव से स्थापित करने में तुझे असमर्थता हो रही है, तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। तो यहाँ एक बात बताने योग्य है कि अभ्यास और अभ्यास योग अलग अलग है। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम है अभ्यास, और समता का नाम है योग। तो समता रखते हुए अभ्यास करना अभ्यास योग हो गया। तो अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा, लेकिन संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री पुत्र धन संपत्ति मान बढ़ाई निरोगता अनुकूलता प्रतिकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होंगी, और कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी भिन्न भिन्न रहेंगे। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। तो योग तभी होगा जब क्रिया का उद्देश्य भी केवल परमात्मा ही हो। तो जो भी क्रिया करो उसे भी परमात्मा के सुपुर्द करो। तो यहाँ अभ्यास योग की बात आई है जिससे कल्याण हो जाता है। केवल अभ्यास हो योग न हो तो एक स्थिति बनेगी पर कल्याण नहीं बनेगा, एक अवस्था बनेगी। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है, लेकिन अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि सिद्धिमवाप्यसि। कहते हैं कि अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा, और मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। तो यह भगवान कहते हैं कि पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग यदि उसे भी तू करने में असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा, यानी समर्पण योग जिसे कहा जाता है। तो तात्पर्य है कि संपूर्ण कर्मों
वर्णाश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि परमार्थिक कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। तो जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवत आज्ञानुसार किए जाते हैं उनको मत्कर्म कहते हैं। तो जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वे मत्कर्म परम कहे जाते हैं। तो साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे तभी मत्कर्म परायणता सिद्ध होगी। तो यानी साधक का ध्येय जब संसार यानी भोग और संग्रह नहीं रहेगा तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएंगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना ही हेतु है। अतः भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्रविहित और भगवदर्थ होंगी। तो यहाँ पे परिशिष्ट भाव है कि अभ्यास की अपेक्षा क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है। तो कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म तो स्वतः होते हैं, हो रहे हैं, क्योंकि कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ है। तो अपने लिए कर्म करने से मनुष्य बंधता है, कर्मणा बध्यन्ते जंतु, इसलिए कर्मों को भगवान के अर्पण करके मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। सो मदर्थमपि पद का तात्पर्य यही है कि आरंभ से ही भगवान के लिए ही कर्म करता जा। अगला श्लोक है अथैद तदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यानी अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू अपने कर्मों के समर्पण के साधन को भी करने में अपने आप को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर दे। तो यहाँ पे जो भी हम कर्म करते हैं एक फल की इच्छा से करते हैं जो सांसारिक है। कर्म करता जा और ये ना सोच कि क्या फल मिलेगा, तो भी ये समर्पण के समान ही है। अगर साधक सर्वथा भगवान के लिए कर्म न कर सके तो उसको फलेच्छा का त्याग करके कर्म करना चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली होती है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यास ज्ञानम अध्यानम विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागाच्छन्तिर अनन्तरम्। कहते हैं कि अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। यानी कर्म किए जा और फिर जो हो सो हो, कर्म में अपनी पूरी निष्ठा डाल दे, हो सके तो कर्म को भी ईश्वर के समर्पित कर दे, तो फल जो होगा वो फलदायी ही होगा और भगवत प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ मार्ग वही होगा। तो यहाँ पे भगवान ने चार साधन अब तक बता दिए क्रमशः, समर्पण योग, अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और कर्म फल त्याग। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि क्रमशः पहले साधन की अपेक्षा आगे का, दूसरे अगले दर्जे का है, और ऐसे ही जो सबसे आखिरी कर्म फल त्याग बताया गया है उसको ही सर्वश्रेष्ठ मान के उसी तरफ प्रयत्न करने से अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी। तो यहाँ अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों करण सापेक्ष हैं, लेकिन कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। यानी कर्म फल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों की इस साधन में निकृष्ट बुद्धि है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कर्म फल त्याग के पहले तीनों साधनों से श्रेष्ठ है, वास्तव में ये चारों ही
श्रेष्ठ है पर उन साधकों के लिए है जिनका उद्देश्य त्याग का है। तो कर्म फल त्याग से कर्म फल की इच्छा का त्याग समझना चाहिए। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। तो फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है, अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने पर जन्म मरण का कारण नहीं रहता। तो मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। तो फल का त्याग करने से फायदा नहीं, फल की इच्छा का त्याग करना श्रेष्ठतम है। तो भगवान ने अब निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले उपासकों में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को सगुण उपासना करने की आज्ञा दी। सगुण उपासना के अंतर्गत भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक अपनी प्राप्ति के 4 साधन बताए। अब 13वें से 19वें श्लोक तक भगवान 5 प्रकरणों में चारों साधनों से सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो पहला प्रकरण 13वें और 14वें दो श्लोकों का है, तो जिससे सिद्ध भक्त के 12 लक्षण बताए गए हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मध्यर्पितम मनोबुद्धियो मद्भक्तः सामे प्रियः। यानी सर्व प्राणियों में, सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम, क्षमाशील, निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए, दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। तो यहाँ पे अनिष्ट करने वालों के दो भेद बताए गए हैं। अद्वेष्टा सर्व भूतानाम, यानी इष्ट की प्राप्ति में अर्थात धन मान बड़ाई आदर सत्कार आदि की प्राप्ति में बाधा पैदा करने वाला, और अनिष्ट पदार्थ क्रिया व्यक्ति घटना आदि से संयोग करने वाला। तो भक्त के शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और सिद्धांत के प्रतिकूल चाहे कोई कितना भी किसी भी प्रकार का व्यवहार करे, इष्ट की प्राप्ति में बाधा डाले, किसी प्रकार की आर्थिक और शारीरिक हानि पहुँचाए, पर भक्त के हृदय में उसके प्रति कभी किंचित मात्र भी द्वेष नहीं होता, कारण कि वह प्राणी मात्र में अपने प्रभु को ही व्याप्त देखता है। ऐसी स्थिति में वह विरोध करे तो किससे करे। तो इतना ही नहीं, वह तो अनिष्ट करने वालों की सब क्रियाओं को भी भगवान का कृपापूर्ण मंगलमय विधान ही मानता है। तो प्राणी मात्र स्वरूप से ही भगवान का अंश है, अतः किसी भी प्राणी के प्रति थोड़ा सा भी द्वेष भाव रहना भगवान के प्रति द्वेष ही कहलाता है। इसलिए किसी प्राणी के प्रति द्वेष रहते हुए भगवान से अभिन्नता तथा अनन्य प्रेम नहीं हो सकता। तो प्राणी मात्र के प्रति द्वेष भाव से रहित होने पर ही भगवान में पूर्ण प्रेम हो सकता है। दूसरी बात है मैत्र करुण एव च, यानी भक्त के अंतःकरण में प्राणी मात्र के प्रति केवल द्वेष अत्यंत अभाव नहीं होता, प्रत्युत प्राणियों में भगवत भाव होने के नाते उनका सबसे मैत्री और दया का व्यवहार भी हो जाता है। तो भगवान स्वयं प्राणी मात्र के सुहृद हैं। फिर बताया है निर्मम, यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंचित मात्र भी ममता नहीं होती। चौथा है निरअहंकार, यानी शरीर इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों को अपना मानने से अहंकार उत्पन्न होता है। तो भक्त की अपने शरीर के प्रति
जरा सी भी अहम बुद्धि न होने के कारण तथा केवल भगवान से अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाने के कारण उसके अंतःकरण में स्वतः श्रेष्ठ दिव्य अलौकिक गुण प्रकट होने लगते हैं, और इन गुणों को भी वह अपने गुण नहीं मानता प्रत्युत भगवान के ही मानता है। फिर बताया है सम दुख सुख, यानी भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में समान जो रहता है, अर्थात अनुकूलता प्रतिकूलता उसके हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा नहीं कर सकते। फिर है क्षमी, यानी अपना किसी तरह का भी अपराध करने वाले को किसी भी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे क्षमा कर देने वाला क्षमी कहलाता है। फिर है संतुष्ट सततम, यानी जीव को मन के अनुकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के संयोग में और मन के प्रतिकूल प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति आदि के वियोग में एक संतोष होता है। विजाती और अनित्य पदार्थों से होने के कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह पाता, तो स्वयं नित्य होने के कारण जीव को नित्य परमात्मा की अनुभूति से ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता है। तो उसके बाद संतुष्ट और सततम के बाद है योगी। सो भक्त योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त पुरुष जो है वो यहाँ योगी नाम से उसको बताया गया है। तो वास्तव में किसी भी मनुष्य का परमात्मा से कभी वियोग हुआ ही नहीं है, हो भी नहीं सकता, है ही नहीं, क्योंकि ये तो संभव ही नहीं है, वह परमात्मा का ही रूप है, तो वही योगी है। फिर है यतात्मा, यानी जिसका मन बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर पर पूर्ण अधिकार है वह यतात्मा है। सिद्ध भक्त को मन बुद्धि आदि वश में नहीं करने पड़ते, प्रत्युत ये स्वाभाविक ही उसके वश में रहते हैं, इसलिए उसमें किसी प्रकार के इंद्रिय जन्य दुर्गुण दुराचार के आने की संभावना नहीं रहती। उसके बाद है दृढ़ निश्चय, यानी सिद्ध महापुरुष की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता का सर्वथा अभाव रहता है, उसकी बुद्धि में एक परमात्मा की ही अटल सत्ता रहती है, अतः उसकी बुद्धि में विपर्यय दोष यानी प्रतिक्षण बदलने वाले संसार का स्थायी दिखना नहीं रहता, उसको एक भगवान के साथ ही अपने नित्य सिद्ध संभव संबंध का अनुभव हो जाता है, जिसका आभास उसे बुद्धि में प्रतीत नहीं होता बल्कि स्वयं में होता है। और उसके बाद है मई अर्पित मनोबुद्धि, यानी जब साधन एकमात्र भगवत प्राप्ति को अपना उद्देश्य बना ले और स्वयं भगवान का हो जाए, अपने मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दे, यह मद्भक्त सवे प्रिय। तो भगवान का तो सभी प्रिय हैं, लेकिन ऐसा भक्त जो है वो भगवान भक्त जो पूरी तरह समर्पित है और कहीं और नहीं है भगवान के सिवाय, ऐसा ही भक्त मुझे सदा प्रिय है। यानी यहाँ पे परिशिष्ट भाव है कि गीता में कर्म योगी के लक्षण भी आए हैं, ज्ञान योगी के लक्षण भी आए हैं और भक्त योगी के लक्षण भी आए हैं, परंतु केवल भक्त के लक्षणों में ही भगवान ने कहा है कि यह लक्षण मित्रता और करुणा न कर्मयोगी के लक्षण में आया है न ज्ञान योगी के लक्षण में, प्रत्युत भक्त के लक्षण में ही आया है। तो कर्मयोगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है पर मित्रता और करुणा नहीं होती, लेकिन भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। तो जैसे किसी राजा का बेटा दूसरों से भीख मांगने लगे तो वह राजा को नहीं सुहाता, ऐसे ही सच्चित आनंद रूप भगवान का अंश जीव जब असत जड़ दुख रूप संसार से कुछ आशा रखता है तब वह भगवान को नहीं सुहाता, प्यारा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जीव का अहित है। भगवान को वही प्यारा लगता है जो अन्य से आशा नहीं रखता तथा जिसमें जीव का परम हित होता है। कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा किसी दूसरे के पास जाए, तो ये संबंध जो भगवान का और जीवात्मा का है ये वही पिता पुत्र वाला संबंध है। आज यहीं पर समाप्त करती हूँ, इसके आगे कल। जय श्री कृष्ण।